डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। जो हम लोग जो क्वेश्चंस हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस सीरीज को हम लोग देख रहे हैं, इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए। चाहे वह सिविल सर्विसेज हो यानी आईएएस के एग्ज़ाम, या यूपीपीसीएस हो, या अदर स्टेट एग्ज़ाम के सिविल सर्विसेज हो, अथवा जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, या यूपीएसआई, या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आपके परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर जो ऊपर है कट चुका है, थोड़ा सा अगले वाले में हम लोग देखे होंगे, वह क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं आप लोगों को। वह लिखा है, वत्स नरेश उदयन तथा प्रधोत की कन्या वासव दत्ता के बीच प्रेम कथा का वर्णन है। यानी कहाँ, किस में प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, किस पुस्तक में? तो ए दिया है मेघदूत, बी दिया है स्वप्नवास दत्ता, सी दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम, और डी दिया है उर्वशी। तो इसका सही आंसर होगा, इस प्रेम कथा का वर्णन स्वप्नवास दत्ता नामक पुस्तक में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन गणराज्य नहीं था? यानी 6th century BC में कौन गणराज्य नहीं था, इसको हम लोगों को देखना है। गणराज्य पूछ रहा है, 16 महाजनपदों के बारे में नहीं पूछ रहा है। 16 महाजनपदों में जो गणराज्य थे उन्हीं के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ए है मल्ल, बी है लिच्छवी, सी है शाक्य, और डी है अवंती। तो गणराज्य नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा डी जो है गणराज्य नहीं था, और मल्ल, लिच्छवी, शाक्य यह सब गणराज्य थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है, किस महाजनपद की राजधानी सही सुमेलित नहीं है? यानी किस महाजनपद की राजधानी सही सुमेलित नहीं है, उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए दिया है अंग का चंपा, बी कौशल, उसकी राजधानी श्रावस्ती, सी वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, डी अवंती, इसकी राजधानी वैशाली। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है डी, अवंती की राजधानी उज्जैनी होगा, वैशाली नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, उत्तरी अवंती की राजधानी थी? ऑप्शन ए दिया है उज्जैनी, बी वैशाली, सी महिष्मती, और डी कौशाम्बी। तो पहले तो ये जान लीजिए, अवंती जो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था, यह अवस्थित कहाँ था, यानी पड़ता कहाँ था? तो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में यह स्थल आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो कह रहा है कि उत्तरी अवंती की राजधानी थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी ए होगा इसमें सही आंसर, यानी उज्जैनी थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 प्रश्न क्या लिखा है, बौद्धकालीन राजधानियों में सही सुमेलित नहीं है। यानी बौद्धकालीन जो राजधानी दिया गया है, और 16 महाजनपद यानी महाजनपद और उनकी राजधानी दिया गया है, तो इसमें कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है कम्बोज की हाटक, गांधार की तक्षशिला, अस्मक विराटनगर, वत्स कौशाम्बी। तो इसमें सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा सी, अस्मक विराटनगर को जोड़ा है, जबकि विराटनगर की राजधानी
विराटनगर जो महाजनपद की राजधानी था वह मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर था, तो यह सही नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 यानी प्रश्न संख्या 95 दिया है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो दक्षिण भारत में स्थित, दक्षिण भारत से मतलब सबसे साउथ में, दक्षिण में, तो ऑप्शन दिया है ए अस्मक, बी गांधार, सी कंबोज और डी चेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए अस्मक। अस्मक सबसे 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में स्थित था और गोदावरी नदी के तट पर। कई बार यह एग्जाम में आपसे पूछे गए, पूछा गया है यह क्वेश्चंस प्रश्न कि अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है, लिखा है मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। तो सही क्रम क्या है भाई, जो मगध पर शासन किए, मगध आज जो पटना है उस समय पाटलिपुत्र या मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर शासन करने वाले वंश कौन थे सही क्रम में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है शिशुनांग, नंद और हर्यक, बी दिया है हर्यक, शिशुनांग और नंद, सी ऑप्शन में है हर्यक, नंद और शिशुनांग, डी में दिया है शिशुनाग, हर्यक और नंद। तो इसका सही आंसर होगा बी, 96 का बी, पहले हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा है वंश का संस्थापक, वंश मतलब आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे, राजवंश होना चाहिए, वंश जो है प्रिंट में भूल गया है। वंश का संस्थापक सही सुमेलित है, ऑप्शन ए में दिया है हर्यक वंश, बिम्बिसार, बी दिया है शिशुनाग वंश, शिशुनाग, सी दिया है नंद वंश, महापद्म नंद, यानी वंश संस्थापक सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यह सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाने वाला हर्यक वंश का अंतिम शासक, यहाँ पर हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक ऑप्शन दिया है ए उदयन, बी नागदशक, सी नंदीवर्धन, डी उदायन। तो यहाँ पर हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी नागदशक अथवा दर्शक। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और पितृहंता इसलिए कहा गया है इसको कि जो बिम्बिसार था उसकी हत्या उसके बेटे ने कर गद्दी पर बैठा, इसलिए इस वंश को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 प्रश्न संख्या 99 लिखा है बिम्बिसार की पत्नी थी, बिम्बिसार की पत्नी कौन थी, ऑप्शन में दिया है क्षेमा, बी महाकोसला, सी चेलना और डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो राजा महाराजा होते थे एक पत्नी ही नहीं होती थी, कई पत्नियां होती, तो इसी तरह बिम्बिसार, राजा बिम्बिसार की भी पत्नी एक नहीं थी अपितु कई पत्नियां थीं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ए क्षेमा, बी महाकोसला और सी चेलना और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो क्षेमा भी उनकी पत्नी थी, महाकोसला भी उनकी पत्नी थी, चेलना भी उनकी पत्नी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी प्रश्न संख्या 100 लिखा है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की।
ऑप्शन में दिया है यानी गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है अजातशत्रु, बी दिया है उदायन, सी दिया है अशोक, डी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा बी, उदायन ने, उदायन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 यानी प्रश्न संख्या 101 में क्या है देखते हैं। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया, तो इस ऑप्शन में से हम लोगों को देखना है कि प्रथम आक्रमण किसने किया। ए दिया है ईरानी शासक दारा प्रथम ने, बी दिया है यूनानियों ने, सी दिया है ईरानी शासक दारा तृतीय ने, और डी दिया है सको ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, ईरानी शासक दारा प्रथम ने। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 यानी प्रश्न संख्या 102 में दिया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया। सन है नीचे हम लोग देख लेते हैं, सन जो दिया है वह 326 ईसा पूर्व, बी दिया है 327 ईसा पूर्व, सी दिया है 323 ईसा पूर्व, और डी दिया है 324 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 यानी प्रश्न संख्या 103 लिखा है झेलम आब्लिक वितस्ता। वितस्ता इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ऋग्वेद में झेलम नदी का नाम वितस्ता मिलता है। का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त एवं सेलुकस, बी दिया है सिकंदर एवं अम्भी, राजा अम्भी, सी दिया है पोरस एवं सिकंदर, डी दिया है घनानंद एवं चंद्रगुप्त। सॉरी, घनानंद एवं चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा सी, पोरस और सिकंदर के बीच में। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 यानी इसमें दिया है प्रश्न संख्या 104 में किसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ऑप्शन ए दिया है कालाशोक, बी दिया है अशोक, सी दिया है अजातशत्रु, डी दिया है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा सी, अजातशत्रु के समय में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105 लिखा है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था, तो सिकंदर जब आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन शासन कर रहा था। ऑप्शन ए है महापद्म नंद, बी है नंदवंशी घनानंद अथवा घननंद, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है पोरस। तो इसका सही आंसर होगा बी, नंदवंशीय शासक घनानंद अथवा घननंद। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 यानी प्रश्न संख्या 106 लिखा है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन में दिया है ए कालाशोक के, बी अजातशत्रु के, सी अशोक के, और डी कनिष्क के। तो इसका सही आंसर होगा ए, कालाशोक के समय में हुआ।
द्वितीय वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीत या सेकंड काउंसलिंग हुई थी, काउंसिल वह काला शोक के निर्देशन में राजा वही था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107, 107 लिखा है, जैन धर्म का आदि संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन ए दिया है पार्श्वनाथ, बी दिया है महावीर स्वामी, सी दिया है संभवनाथ, डी दिया है अरिष्ट नेमिको। तो इसका सही आंसर होगा बी, महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 यानी प्रश्न संख्या 108, जैन परंपरा अनुसार तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? यानी जो जैन परंपरा थी उसमें कितने तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए दिया है 24 यानी 24, ऑप्शन बी दिया है 23 यानी 23, ऑप्शन सी दिया है 11 यानी 11, ऑप्शन डी दिया है 25 यानी 25। तो इसका सही आंसर होगा ए, तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 थी, 24 थी। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, प्रश्न संख्या 109 लिखा है, जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर 23वें माने जाते हैं, यानी 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन दिया है ए ऋषभ देव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी और डी अरिष्ट नेमी। तो इसका सही आंसर होगा बी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकर हैं श्रृंखला मिलती है, उसमें 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110, 110 लिखा है क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है श्रावक, बी है उपासक, सी है निग्रंथ, डी है आजीवक। तो इसका सही आंसर होगा सी, निग्रंथ कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111 लिखा है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ए है पार्श्वनाथ, बी है महावीर स्वामी, सी है आदिनाथ, डी है संभवनाथ। तो इसका 24वां तीर्थंकर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी यानी बी, 111 का बी सही होगा, 24वें तीर्थंकर यही थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्रश्न संख्या 112 लिखा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यानी सुमेलित कौन है उसी को हम लोगों को देखना है। तो जो सुमेलित है 112 में, ए है पार्श्वनाथ काशी, बी महावीर स्वामी कुंडलग्राम, सी है बुद्ध लुम्बनी और डी है उपरोक्त सभी। तो 112 का आंसर हो जाएगा डी। क्यों? पार्श्वनाथ काशी से बिलोंग करते थे, महावीर स्वामी कुंडलग्राम वैशाली से, बुद्ध लुम्बनी ग्राम से, इसलिए इसका आंसर सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 113 लिखा है, महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए रिजुपाली, बी सदानीरा, सी गंगा और डी निरंजना। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋजुपालिक नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर यहाँ क्वेश्चंस इंड होता है और आप लोग इसको देखिए, फिर हम अगले पार्ट में इन क्वेश्चन श्रृंखला को
आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।